हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट फोर, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, पार्ट फोर ना। अच्छा, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर इज सुइटेबल फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिकल वेरिएशन। जैसे कि आपको पता होगा, ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई ना, फ्रूट फ्लाइज जो होता है दैट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के उनको क्वीन कहता है, कहला जाता है। क्यों? क्योंकि कुड ग्रोन इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी, मतलब कि उनको एकदम सिंपली ग्रो करवा सकते हैं। आप अपने घर में देखे होंगे, घर में मान लीजिए आपके घर में फ्रूट्स है ना, बनाना है, एप्पल है, थोड़ा मतलब कि सड़ा हुआ है, उसकी बगल में आप देखोगे जो इतने टाइनी टाइनी जो फ्लाईज होते हैं ना, वहीं पे फ्लाई करते रहते हैं, वही होते हैं फ्रूट फ्लाईज, यानी कि जिसकी जूलॉजिकल नेम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले कि ये इसको आप आसानी से ग्रो करवा सकते हो। कंप्लीट लाइफ साइकिल इज 2 वीक, 2 दिन के अंदर उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। एंड सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, एक बार जब मेटिंग होता है बहुत ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि आपको दिख कर पता लगा सकते हो कि ये मेल है एंड ये फीमेल है, ठीक है, प्रेजेंट। एंड मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस कैन बी सीन विद इन द लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर भी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको दिखने के लिए बहुत हाई फाई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगा, सिंपल सा माइक्रोस्कोप के अंदर भी आप दिख सकते हो कैसे आई कलर उनकी डिफरेंसेस है, रेड है, ठीक है, उनकी विंग्स किसी कैसे डिफरेंसेस है, मतलब है कि आप अलग अलग ट्रेड को अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब भी आप जेनेटिक्स स्टडी करोगे, जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को चीज़ें ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको हमको देखनी है, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई एक ऐसा एनिमल आप चूज करोगे जिसकी लाइफ साइकिल मान लीजिए 20 साल है, तो उनसे उनके बच्चा बनने के लिए 20 साल लगेगा, तो एक एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट 20 साल तक कंडक्ट करेगा, फिर एक जनरेशन दिख पाएगा, फिर और 20 साल तो वो साइंटिस्ट ही उनका तो डेथ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए छोटा लाइफ साइकिल्स रहेगा ताकि वो 2 दिन के अंदर, मतलब 2 वीक के अंदर अंदर उनको रिजल्ट मिल गया, समझ रहे हो ना। अच्छा, दूसरा चीज़ होता है कि जो कैरेक्टर उन्होंने ले रही है तो वो क्या होना चाहिए, वो डिफ्रेंशिएट हो पाना चाहिए, ठीक है ना, जैसे रेड आई कलर या व्हाइट आई कलर या लॉन्ग विंग्स या शॉर्ट विंग्स, उसको दिख के उनके पता लगा सकते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर आया है, ये कैरेक्टर नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। तो इसलिए इस बेसिस में जब भी एनिमल के ऊपर कोई जेनेटिकल स्टडी किया जाता है, ड्रोसोफिला को हमेशा चूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन मेनी नंबर ऑफ डैश लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अ जेनेटिक क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो साइटोलॉजिकल मतलब कि सेल लेवल में जो भी कोई ऑब्जर्वेशन होगा जेनेटिक्स में, तो कौन सी चीज़ों को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, याद रखिए इंसेक्ट वाली चीज़ों को ज़्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, वो एक टाइम में नंबर ऑफ प्रोजेनी ज़्यादा रहते हैं। यदि आपने किसको पढ़े हैं, यदि आपने इकोलॉजी चैप्टर पढ़े हैं तो हम वहाँ पे भी बात किए थे, है ना। एक तो था आपकी के सिलेक्टेड पॉपुलेशन, एक आर सिलेक्टेड पॉपुलेशन था। आर सिलेक्टेड में छोटे साइज के होते हैं, नंबर में ज़्यादा होते हैं, प्रोजेनी पाए जाते हैं, है ना। एंड उनकी लाइफ स्पान भी बहुत लेस होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। उनमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनमें इंसेक्ट आ जाते हैं, तो हमको तो वही चाहिए। हम देख पाएंगे कितना, मतलब इतने प्रोजेनी बन रहा है, उतना शॉर्ट लाइफ स्पान है, तो इसलिए ज़्यादातर इंसेक्ट को प्रीफर किया जाता है, ठीक है। हु डिस्कवर्ड एक्स बॉडी बट कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। एक्स बॉडी को जो है ना, एक्स बॉडी को हैंकिंग ने, ठीक है ना, हैंकिंग ने उनको डिस्कवर किए थे। एक्स बॉडी जो था ना, जैसे आपको पता होगा फीमेल के केस में 22 ऑटोजोम्स के साथ साथ 2 एक्स क्रोमोजोम होता है, मतलब जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो नंबर में 2 होते हैं, ठीक है। एंड इसी प्रकार के मेल के केस में, यदि फीमेल हम मान के चलेंगे, फीमेल में XX, मतलब कि 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम्स XX रहेगा, एंड वैसे ही मेल में 22 ऑटोजोम्स एंड XY रहता है। मेल में एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम होता है। फीमेल की जो सोमैटिक सेल्स होता है, सिर्फ और सिर्फ ओवरी के अंदर जो जर्म सेल्स हैं, वहीं पे दोनों की दोनों एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहेगा,
लेकिन उसके अलावा बॉडी में और जितने भी सेल है, हार्ट, लिवर सेल, किडनी, समझ रहे हो ना, स्किन, जितने भी सेल है उनमें दो क्रोम एक्स क्रोमोजोम से एक एक्स क्रोमोजोम एक्टिव रहता है, दूसरा एक्स क्रोमोजोम इनएक्टिव रहता है, उसको कंपेंसेट करने के लिए, क्योंकि मेल में एक ही तो होता है, एक में ही तो काम हो जाता है, तो इसलिए उसको कंपेंसेट करने के लिए ये हमारे, यदि मान लीजिए वही कि फीमेल की आप सेल लाओगे कि मेल की बुक्कल म्यूकस, आपने शायद प्रैक्टिकल क्लास में ऐसे किए होंगे, नहीं तो नहीं किया है तो आप पीजी के अंदर ये चीज़ करोगे, तो क्या करते हैं, जो सलाइवा है ना माउथ की, है ना, माउथ की सलाइवा से ऐसे एक स्लाइड ले लेंगे, जो स्लाइड अपने ब्लड टेस्ट के टाइम पे यूज़ करते हैं ना, जो ग्लास की शीशा की होता है ना, तो आप ऐसे ले लोगे बुक्कल म्यूकोसा, उसमें डालोगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर होगे, तो आपकी क्लास में जो बॉयज होंगे एंड गर्ल्स होंगे, दो मतलब कुछ बॉयज लेंगे, है ना, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, एक दो बॉय ले लेंगे, एक दो गर्ल ले लेंगे, तो वहां पर देखेंगे तो एक एक से डॉट सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो फीमेल है उसमें बारबडी प्रेजेंट होते हैं, जो मेल है उनमें बारबडी प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके एक ही एक्स क्रोमोजोम है वो फंक्शनल है, एंड फीमेल में दो एक्स क्रोमोजोम है, उनमें से एक एक्स क्रोमोजोम क्या है, नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल कहने की मतलब होता है कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, वहां पे जो जीन है वो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन नहीं बना रही है, तो ये रैपिंग है, तो आपको डार्क नजर आएगा, जैसे यूक्रोमाटिन हिटरोक्रोमाटिन की हमने बात किए थे, कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम देखेंगे कि ये रखा है कि एक्स बॉडी इन हैंकिंग वॉज फाउंड इन, तो एक्स बॉडी जो है कहाँ है, क्रोमोजोम में है, ठीक है। एक्स क्रोमोजोम इज यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, देयर फॉर इट इज नोन एज, एक्स क्रोमोजोम को हम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए लेते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, सेक्स क्रोमोजोम कहेंगे, ठीक है। ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल में दोनों में इक्वल होता है, क्योंकि एक मेल एंड फीमेल ह्यूमन को भी आप फोकस कीजिए ना, सब चीज़ें इक्वल है, लिवर, हार्ट, किडनी, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, डिफरेंसेस सिर्फ कहाँ पे होता है, डिफरेंसेस सिर्फ सेक्स ऑर्गन में होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में ओवरी होता है, मेल में टेस्टिस होता है, और एक्सटर्नल जेनिटालिया जो भी रहेगा, और बाकी सारी चीज़ें तो इक्वल है, तो इसलिए 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम दोनों में सिमिलर है, ऑटोजोम्स कहते हैं, जो डिसिमिलर होता है 23rd पेयर, दैट इज़ द सेक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है। अच्छा, तो ऑक्सीजन्स तो आपका कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्डेड हुआ है, यहाँ पे जो लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर होता है उसको ऑक्सीजन्स कहते हैं, माइक्रोजम्स तो सेल में जो बॉडीज होते हैं, है ना। व्हिच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन ग्रास हॉपर, याद रखिए ग्रास हॉपर जो सेक्स डिटर्मिनेशन हम देखते हैं, ग्रास हॉपर में आप देखोगे एक्स जीरो टाइप, मतलब है कि ऑटोजोम के साथ साथ एक के पास एक्स एक्स होता है, ऑटोजोम्स के साथ साथ एक के पास एक्स, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोजोम रहेगा, दूसरा क्रोमोजोम एब्सेंट रहता है मेल होने के लिए, तो एक्स जीरो टाइप होता है। एक्स वाई टाइप ह्यूमन में होता है, जेड डब्ल्यू बार्ड में होता है, ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है। ह्यूमन में जैसे फीमेल होमोजाइगस मतलब कि होमो होता है, बार्ड में मेल होमो होते हैं, उनकी फीमेल इस तरीके से होता है, जेड डब्ल्यू होता है उनका फीमेल, ठीक है, फीमेल। हमारे मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है, मेल हेटर होता है, फीमेल होमो होता है, होमोजाइगस ये हेटरोजाइगस होता है, ठीक है। अच्छा, फिर दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 94, इन द नंबर ऑफ इंसेक्ट एंड मामल द टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज, अच्छा तो सेक्स डिटर्मिनेशन मामल भी दे रखा है ना, अच्छा तो मामल दे रखा है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, एक्स वाई होगा। हालांकि जो ड्रोसोफिला होता है उनमें एक्स क्रोमोजोम की रेशियो, एक्स क्रोमोजोम टू सेक्स, है ना, ऑटोजोम उनकी रेशियो मायना करता है, लेकिन हम देखेंगे जब एक्स एक्स रहता है उनमें फीमेल होता है, एंड जब एक्स वाई रहेगा उनमें मेल होता है ना, तो ये नॉर्मली इस तरीके से चीज़ें होता है, लेकिन इंसेक्ट यानी कि जो ड्रोसोफिला के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम डिवाइडेड बाय सेट ऑफ ऑटोजोम, ये उनकी तय करता है, ठीक है। तो वन होगा तो फीमेल होगा, 0.5 होगा तो मेल होगा, ठीक है। अच्छा, मेल इज होमोजेनेटिक इन, मेल होमोजेनेटिक का मतलब है कि जैसे दोनों की दोनों क्रोमोजोम इक्वल रहेगा, ठीक है। मेल इज होमोजेनेटिक इन, तो कहाँ पे होता है, जो बार्ड्स वगैरह होते हैं उनमें होगा, क्योंकि मेल जो है ह्यूमन के केस में, ह्यूमन मेल जो होगा एक्स वाई होता है, ह्यूमन की फीमेल जो होता है होमो होता है, दोनों इक्वल होता है। बार्ड में उसकी जस्ट उल्टा होता है, बार्ड के केस में मेल क्या होगा, है ना, यदि बार्ड है उनकी बार्ड में जेड जेड होता है, उनकी फीमेल जेड डब्ल्यू होता है, हेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं है, ह्यूमन में ऐसा नहीं है, ये फॉल होगा, फॉल मतलब कि जैसे चिकन होता है ना, वही है ना, वो फॉल होता है। तो हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल, ह्यूमन मेल में क्या कितना होता है, 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम एक्स वाई, 22 एक्स वाई ये होगा, ठीक है।
अच्छा, तो द बिलो फिगर पोजेसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्स क्रोमोजोम, तो ये एक है ना, ये भी तो बार्ड होते ना, है ना। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, बिलो द पोजेसेस विद द सेक्स क्रोमोजोम, यहाँ पे ये सेक्स क्रोमोजोम के बारे में पूछा है, तो ये उनकी मेल है, मेल है तो होमो होगा, ठीक है, ये वाला है, इसका मतलब है कि ये मेल फॉल है, ठीक है, एक्स जेड जेड होगा उनका। फिर देखेंगे द बिलो डायग्राम सोच, इसमें आप क्या देख पा रहे हो, ठीक है, बिलो डायग्राम सोच है ना। अच्छा, तो मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला रेस्पेक्टिवली, है ना, ये है मेल उनका, हम उसको हम बोल रहे थे ना, उसको दिख के हम पता लगा सकते हैं मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला होगा, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आप दिख के पता लगा सकते हो, जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में आपको दिखाई देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ होता है। फिर हम बात करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चिक्स, चिक्स की सेक्स के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उनकी जो एग है ना, एग है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि और किसी के साथ वो फ्यूज हो रहा है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढनी है, ठीक है। जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन, एग की जेनेटिक मेकअप जो है ये डिटरमाइन नहीं करता है, क्योंकि फीमेल के पास तो हमेशा एक्स रहेगा, ये डिटरमाइन करता है उनके उनको आके एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज किया या तो वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइज किया, कौन सी टाइप की स्पर्म फर्टिलाइज किया उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। यदि वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइज किया तो मेल बन जाएगा, यदि एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है तो ये यहाँ पे फीमेल बन जाएगा, ठीक है। तो फाइंड आउट द जेनेटिक मेकअप, फाइंड द करेक्ट, तो ये तो गलत हो गया, जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन, यस, ह्यूमन के केस में है ना, कौन सी टाइप की स्पॉर्म है ना, स्पॉर्म आ रही है, उनकी जेनेटिक मेकअप सेक्स को डिटरमाइन करेगा। यदि वाई क्रोमोजोम वाला स्पॉर्म आएगा तो ये क्या करेगा ना, आपकी मेल बनाएगा, मेल चाइल्ड बनाएगा, एक्स क्रोमोजोम आ गया तो फीमेल बनाएगा, ठीक है ना। इसलिए लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, फीमेल को मतलब कि कल्प्रिट समझते हैं, बेटी मान लीजिए कंटिन्यूअसली एक दो बेटी बन गया, अच्छा ये फीमेल में तो प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम फीमेल में नहीं है, ठीक है ना, लोग क्योंकि कौन सी टाइप की स्पर्म, फीमेल में तो ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम अवेलेबल रहता है, कौन सी टाइप की स्पर्म आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर जो एजुकेटेड है वो मेल को ब्लेम करेंगे, है ना, मेल ही रेस्पॉन्सिबल है, एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं है, क्योंकि उनको कैसे पता कौन सी स्पर्म आएगा, ठीक है। तो इसलिए वो एक क्या होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें होता है, कौन सी आएगा कौन सी फ्यूज करेगा कुछ चीज़ें नहीं है, ठीक है। अच्छा, अनएजुकेटेड जो रहेंगे फीमेल को ब्लेम करेंगे, जो एजुकेटेड रहेंगे मेल को ब्लेम करेंगे, और आप लोग जैसे न्यूट्रल हो किसी को ब्लेम नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया चीज़ें, तो ये गलत, अच्छा फाइनल, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी मुझे करेक्ट लगा। फिर सी देख लेंगे, एक्स जीरो एंड एक्स वाई टाइप ऑफ डिटरमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेट्रोगैमेटी, नहीं यहाँ पर फीमेल हेट्रोगैमेटी नहीं है, यहाँ पर मेल हेट्रोगैमेटी होता है। हैंकिंग कुड ट्रेस द स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल द ओजेनेसिस इज द फ्यू इंसेक्ट, हाँ ये जजे हैंकिंग ने बताई नहीं थी, तो हैंकिंग ने, हमने एक्स बारबॉडी के बारे में हमने यहाँ पर बात किए थे उसके बारे में। फीमेल इज हेट्रोगैमेटी इज फाउंड इन, फीमेल हेट्रोगैमेटी आपको कहाँ दिखने को मिलेगा, फीमेल हेट्रोगैमेटी जो है, फीमेल हेट्रो है बर्ड्स की केस में, यानी कि चिक के केस में आपको देखने को मिलेगा, फीमेल जेड डब्ल्यू टाइप की होता है, मेल जो है जेड जेड होता है, ठीक है। व्हाई मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज टिल 1900, उस दिन भी आपने बात की थी मैंने, मेंडल की बात जो है क्यों नहीं आ पाया था, मतलब कि उनको पता नहीं है कि वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्यों, क्योंकि हीज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड, यस सारे जगह में वो पब्लिश नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे कौन थे है ना हॉट लिस्ट में, जो साइंटिस्ट थे आपकी डार्विन थे, ठीक है। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ अ फैक्टर जिसको हम आज जीन कहते हैं, स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ टाइप वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई हिज कंटेम्प्रेरीज, मतलब कि उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बात को मानने के तैयार नहीं थे कि जो फैक्टर है या जीन है वही सारे चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, वो उस चीज़ों को मानने के एक्सेप्टेड करने। हिज अप्रोच यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फेनोमेना वॉज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल बाई मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम, तो उन्होंने मतलब कि बायोलॉजी में मैथ की यूज़ किया, तो इसलिए वो दूसरे साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने, उनका वो नहीं था, ये जो चीज़ें हैं
कि नॉट वाइडली पब्लिश्ड, ये डार्विन उनके जिम्मेदार थे, ठीक है। अच्छा, तो ऑल ऑफ दीज अबव आंसर होगा। हाउ मेनी साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड मेंडेलियन इन 1900? तो तीन साइंटिस्ट थे, कौन थे ना, कार्ल कोरेंस थे, कोरेंस, ह्यूगो डेवरिज, ह्यूगो डेवरिज एंड टेस्मार्क, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवर किए थे। मेंडेलियन रीडिस्कवर्स आर, मेंडेलिज्म्स को कौन रीडिस्कवर किए थे? डेवरिज हॉलैंड के थे, कॉरेंस कार्ल कॉरेंस जर्मन के थे, वॉन डेस्मार्क ऑस्ट्रिया के थे। अच्छा, इस ऑल ऑफ दिस है वो, है ना, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम भी आप थोड़ा याद रखिए, मतलब तो कि ऐसे ऑप्शंस में तो आ जाएगा फिर भी आप, है ना। हु नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम वॉज ए पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूजेस क्रोमोजोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ? तो उन्होंने सटन एंड बॉवरी जो बताए थे, उन्होंने जीन एंड क्रोमोजोम की बिहेवियर पैरेलल है, उन्होंने ये चीज़ बताए थे। उनकी कहना ये था कि जैसे आपको पता होगा इस तरीके से क्रोमोजोम है, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसे क्रोमोजोम है, ठीक है। अच्छा, तो इस क्रोमोजोम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से डीएनए, ठीक है। अच्छा, डीएनए के इस पर्टिकुलर सेगमेंट को तो हम जीन कहते हैं ना, जो कोई कैरेक्टर के लिए, मान लीजिए ये आपकी बॉडी कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बॉडी कलर के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये बोल रहा है बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, मान लीजिए है ना कुछ ऐसे है, तो जब ये डिवाइड मतलब कि सेपरेट हो जाएंगे, जीन भी सेपरेट हो जाएगा, है ना, मेयोसिस में क्रोमोजोम डिवाइड हो जाता है, तो ये दूसरे जनरेशन को जाएगा, क्रोमोजोम जाएगा तो उसके साथ साथ जेन चला जाएगा, मतलब कि ये बोल रहे थे कि सटन एंड बॉबरी ने वो पैरेलल होता है, ठीक है ना, उनके दोनों के जो फंक्शंस है पैरेलल है, उन्होंने ये बताए थे। अच्छा, फिर हम बात करेंगे व्हिच ऑफ द 106 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द बिलो कलम ए एंड बी रिप्रेजेंट जीन्स एंड क्रोमोजोम, उनमें से कौन सा जीन है, कौन सा क्रोमोजोम है, ये पूछा है, ठीक है। अच्छा, तो ए में दे रखा है कि अकर्सिन पेयर, है ना, अकर्सिन पेयर, तो ये बोला है जैसे मैंने वही चीज़ बताई थी, ये क्रोमोजोम है एंड क्रोमोजोम के ऊपर क्रोमोजोम भी जोड़ा में होता है, जीन भी ऐसे उनकी आलेली के साथ ही तो रहेगा ना, ए है ठीक है, ये भी जोड़ा, क्रोमोजोम नंबर मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोजोम नंबर 1 है, हमारा 23 पेयर है, तो दोनों के दोनों ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे, अच्छा, अकर्षण पेयर सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट, ऑब्वियसली जब भी गैमेट बनेगा तो हमने हमको पता है 2n रहता है, 2n से n हो जाता है, तो इसका मतलब है कि एक क्रोमोजोम इधर आ जाएगा, एक क्रोमोजोम इधर आ जाएगा, जीन भी उसके साथ साथ वैसे ही आएगा, समझ रहे हो। तो अच्छा, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यदि इंडिपेंडेंट पेयर रहा है तो ये सेग्रीगेट करेंगे इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, जो इंडिपेंडेंट पेयर रहेगा मान लीजिए ये है, ये इंडिपेंडेंटली चला जाएगा किसी एक गैमेट के पास, ये और एक गैमेट के पास चला जाएगा, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ठीक है। देखिए उनकी कहना स्टॉर्म जो ये 5 और 6 में यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंसेस है और कहीं पे नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब जीन जो है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मान लीजिए यहाँ एक क्रोमोजोम के ऊपर कई सारे जीन हो सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बॉडी कलर वाला जीन था और मान लीजिए यहाँ पे आपकी हाइट वाला जीन है या यहाँ पे और कुछ जीन है, ठीक है, ये बोल रहा है, समझ रहे हो ना, ये बोल रहा है यदि ये दोनों कौन ए जीन ये बी जीन ये सी ये डी जीन है, ए बी यदि पास पास नहीं है, इंडिपेंडेंटली है, दूर है, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट अलग अलग इंडिपेंडेंटली अलग हो जाएंगे, लेकिन यदि ए एंड बी जीन एकदम पास पास है ये सेग्रीगेट अलग अलग नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो पास पास है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वन पेयर सेग्रीगेट, तो एक पेयर जो है, ठीक है ना, देखिए इनकी जोड़ा इनके साथ ही है ना, ठीक है, इनकी जोड़ा इनके साथ है, लेकिन एक जीन की जोड़ा इसके साथ भी हो सकता है, ये उनकी आलेलिक फॉर्म है, ठीक
ठीक है ना, कैपिटल ए की स्मॉल ए एलीलिक फॉर्म है, लेकिन कैपिटल ए भी एक जीन है, कैपिटल बी भी एक जीन है, लेकिन जब क्रोमोजोम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ये एक कम्प्लीट क्रोमोजोम है, ये एक कम्प्लीट क्रोमोजोम है, समझ रहे हो ना, और ये दूसरा क्रोमोजोम है, ये दूसरा क्रोमोजोम है। ये बोल रहा है वन पेयर सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंट, वन पेयर सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, ठीक है ना। एक पेयर ये एक गैमेट के पास चला जाएगा, ये दूसरे गैमेट के पास चला जाएगा। यहाँ पे दे रखा है कि तो ए जो है ये आपकी जीन हो जाएगा, बी जो है ये क्रोमोजोम हो जाएगा। देखिए इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वन पेयर इंडिपेंडेंट पेयर नहीं दे रखा है, एक पेयर जो है ना, एक पेयर इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, और एक पेयर से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है, लेकिन यहाँ पे देखा है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट पेयर जो है ना, ये सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, ये बारे में तो ऑप्शन नंबर सी आपकी आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखेंगे व्हिच ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब कि अलग अलग वो जो चीज़ें चलेंगे उसका हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। देखिए सो यहाँ पे वही चीज़ को समझाने के लिए डायग्रामेटिकली भी आप समझ सकते हो कैसे जीन एंड क्रोमोजोम की बात हो रहा है, अच्छे से फोकस कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो ये मेयोसिस दे रखा है, ठीक है, अच्छा ये मेयोसिस दे रखा है, मेयोसिस वन की अनाफेज एंड मेयोसिस टू, है ना। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो मेयोसिस टू अनाफेज, एक्चुअली ऐसा देना चाहिए था मेयोसिस वन एंड टू करके, यहाँ पे ऐसे दे रखा है मेयोसिस वन, अच्छा ए ओनली, अच्छा व्हिच ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट असेसमेंट। इंडिपेंडेंट असेसमेंट की आप सिंपल सा ऐसे समझिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट के असेसमेंट के मतलब क्या होता है, मान लीजिए कैपिटल ए जीन है, कैपिटल ए स्मॉल ए जीन है, और यहाँ पे कैपिटल बी जीन है, स्मॉल बी जीन है। इंडिपेंडेंट असेसमेंट की कहने के मतलब होता है जब भी गैमेट बनेगा, ठीक है, गैमेट में हमेशा 50-50% होता है, मतलब है कि एक गैमेट के पास इस तरीके से जीन आएगा, ऐसे 23 नंबर ऑफ जीन आ जाएगा, ऐसे जोड़ा में रहता है ना नॉर्मली 23, और दूसरे गैमेट के पास भी इस तरीके से 23 नंबर ऑफ आएगा, तो ये दोनों में से कोई एक आएगा, ये दोनों में से कोई एक आएगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, ये दो में से कोई एक आएगा, मान लीजिए ये आ गया, तो ये दो में से सिर्फ ये ही आएगा उसके साथ, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ये इसके साथ ये भी आ सकता है, इसके साथ ये भी आ सकता है, कहने के मतलब वही है, इंडिपेंडेंटली आएगा, ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये आया है इसका मतलब है कि ये ही आएगा, ठीक है, ये आ भी सकता है, ऐसा नहीं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन जो बनता है ए बी की बन सकता है, नहीं तो ए स्मॉल बी की भी बन सकता है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब मान लीजिए ये आ रहा है स्मॉल ए, तो इसके साथ ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्लियर हुआ। इसको हम इंडिपेंडेंट असेसमेंट कहते हैं, अलग अलग आएंगे, डिपेंडेंट हम किसको कहेंगे, मान लीजिए ये आया है इसका मतलब ये ही आएगा, इसको हम डिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन दिस फिगर, तो अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे, ये जो है ये छोटे से देखने के लिए मेल है, बड़ा सा जो होता है फीमेल होता है, इंसेट की केस में आप हॉर्नी बी को कंपैरिजन करके भी याद रख सकते हो, क्योंकि उनकी क्वीन जो है थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद हम देखेंगे जेनेटिक डिजॉर्डर के बारे में, ठीक है। अच्छा, द मेथड एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेड इन ह्यूमन बींग्स, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम देख सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को डिजीज कैसे ट्रांसफर हुआ है। द स्ट्रैंड सिंबल यूज्ड फॉर कंसाइजिनियस मेटिंग इन पेडिग्री एनालिसिस इज, पेडिग्री एनालिसिस में जो कंसाइजिनियस मेटिंग, कंसाइजिनियस का मतलब है कि जैसे रिलेटिव्स में मैरिज होता है, मान लीजिए आपकी अंकल की सॉन है ना, सॉन है या डॉटर है, ठीक है, आप उससे शादी करोगे, समझ रहे हो ना, भाई बहन जो है ना सगे, मतलब कि ऐसे रिलेटिव्स में होता है, तो उसके साथ जब मैरिज होता है, हमेशा याद रखिए ये होते हैं फीमेल, इस वाला साइन जो होगा फीमेल होता है, ये वाला साइन जो होता है मेल होता है, कैसे याद रखोगे, फीमेल सर्कल जो ऐसे होता है ना, जो नायक होते हैं वो नायिका को, मतलब हीरोइन को चांद जैसा मुखड़ा,
है ना, सर्कल आप याद रखिए, हालांकि चांद जैसे मुकुड़ा एक डिजीज है ना, हार्मोन में मैंने आपको बताई थी। तो आप सर्कल फीमेल के लिए याद रखिए, ये स्क्वायर आप मेल के लिए, तो एक सर्कल होगा। तो जब भी मेटिंग होता है, मतलब कि उनमें शादी हुआ, बच्चा हुआ, ये वाली जो कंसेप्ट है, मैरिज वाली कंसेप्ट, ये इसमें डोनेट किया जाता है। उसके बाद उनका बच्चा ऐसे हुआ है, इसका मतलब कि उनका दो बच्चा हो गया, ठीक है। और ये कहीं दूसरे फैमिली से शादी करेगा, दूसरे फैमिली से करेगा तो सही है, ठीक है, तो सही है। तो मान लीजिए फिर उनमें बच्चा बनेंगे, तो कुछ ऐसे ऐसे हिस्ट्री चलता है। ये पहला जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, फिर ये थर्ड जनरेशन हो गया, समझ रहे हो ना। तो कुछ इस तरह से चलता है। कॉन्सेंजेनियस जब मेटिंग होता है तो दो लाइन रहेगा, आप मान सकते हो कि यहाँ पे कॉन्सेंजेनियस मेटिंग है। कॉन्सेंजेनियस मेटिंग होने से क्या होता है, जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो एक्सप्रेस होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है, क्योंकि जीन तो उनके पेरेंट्स दोनों के, जो जो मेटिंग अभी कर रहे हैं, जो अभी हस्बैंड वाइफ है, वो दोनों की जो इन लॉज रहेंगे वो तो सिमिलर पेरेंट्स में बनी हुई रहेंगे। तो इसलिए तो कॉन्सेंजेनियस मैरिज को हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद देखेंगे सिलेक्ट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द स्ट्रैंड सिंबल ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। तो हाँ, ये किसको होगा, मैं अभी आपको बताई थी, ये होगा मेल को, ये चांद जैसे मुखड़ा फीमेल को होगा, है ना। अच्छा, तो ए होता है टू, ए होता है टू, बी होता है वन, ए टू बी वन, ये सब में होता है शायद, है ना, ए टू बी वन, दो दो ऑप्शंस में है, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम देखेंगे सी जो है, जब इस तरीके से चीज़ें रहेगा, इसका मतलब है कि उनकी, आप उसकी सेक्स को अनस्पेसिफाइड है, मेल है कि फीमेल है हमको पता नहीं। जब ऐसे साइन आ जाएगा उसका मतलब है कि उनसे शादी हुआ है, मेटिंग हुआ है, बच्चा बनना बनने वाला है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन डी टू, डी टू, अच्छा ये तो हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा, क्लियर हुआ। अच्छा, फिर देखिए व्हाई सिंबल रिप्रेजेंट, व्हिच सिंबल रिप्रेजेंट पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, है ना। मेल चाइल्ड है, जब भी डिजीज क्वेश्चंस में एकदम आपको ये फील्ड हुए नजर आएगा, या तो ऐसे ऐसा, या तो नहीं ऐसा, एकदम फील्ड है, एकदम भरा हुआ है, तो उसका मतलब है कि डिजीज है, ये मेल वाला मेल एंड डिजीज है, क्योंकि ऐसे भरा हुआ है, नहीं तो ऐसे दे रखा है। यदि मान लीजिए इस तरीके से दे रखा होगा, या तो ऐसे एकदम भरा हुआ नहीं का, ये फीमेल डिजीज है, फीमेल अंडर डिजीज वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी में आंसर हो जाएगा। ये रखा है कि मेल चाइल्ड विथ अफेक्टेड डिजीज, समझ में ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज नॉट यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस, उनमें से कौन सी सिंबल को हम पेडिग्री एनालिसिस में, ये डी वाला होगा, इसको हम कभी भी इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे एक पहला एंड सेकेंड जनरेशन को दिखाया गया है, ये शादी हुआ मेल फीमेल के बीच में, मीटिंग हुआ, बच्चा बना, दो बच्चा बना, तो यहाँ पे कौन सा जीनियस मैरिज हुआ, यानी कि अपने रिलेटिव्स के अंदर शादी हुआ, यहाँ पे कि मेल है जो कि अफेक्टेड है, ठीक है, ये वाला साइन हम यूज नहीं करते हैं। द फॉलोइंग पेडिग्री सोच, इस पेडिग्री क्या बताता है, ठीक है। अच्छा, पेडिग्री को आप कैसे मतलब कि एनालिसिस करोगे, उसकी एक कंप्लीट वीडियो है चैनल पर, है आप उसको देख लीजिए, नहीं तो अभी मैं आपको बता देती हूँ तो कैसे आपको करनी है, ठीक है, कैसे आपको करनी है। देखिए ये क्या है, हम बात करेंगे। तो पेडिग्री फॉलोइंग, जब भी कभी भी इस तरीके से पेडिग्री मतलब दिया रहेगा, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, तो जो जो डार्क कलर है उसका मतलब है कि डिजीज है। यहाँ पे ये इसको थोड़ा कलरिंग करने के टाइम पे ऐसे हो गया है, लेकिन ये जो डार्क कलर वाली है ये डिजीज है, ये वाला डिजीज है, जो ज़्यादा डार्क आपको लग रहा है ना, ये डिजीज वाली है, ये थोड़ा व्हाइट है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। अच्छा, जब भी कभी रहेगा आपके दिमाग के अंदर, आप कैसे एनालिसिस करोगे देखिए, क्योंकि वो तो एक क्लास ही हो जाएगा। आपके अंदर डिजीज़ कौन सी होना चाहिए, एक तो ऑटोजोम रिलेटेड डिजीज होना चाहिए, ऑटोजोम की फिर रिसेसिव होता है, ऑटोजोम की फिर डोमिनेंट होता है, और एक होता है सेक्स, सेक्स लिंक्ड, सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड डिजीज हो सकता है, सेक्स लिंक्ड एक डोमिनेंट हो सकता है, सेक्स लिंक्ड एक रिसेसिव हो सकता है, ठीक है। आपको कैरेक्टर याद रखनी है, जब सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा, ठीक है ना, कोई भी जीन डोमिनेटेड है, इसका मतलब है कि जीन की एक ही फॉर्म रहेगा, उसके बाद भी वो जीन जो होता है एक्सप्रेस हो सकता है, एक ही फॉर्म से भी वो एक्सप्रेस हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डोमिनेटेड डिजीज, ठीक है। अच्छा, तो रिसेसिव कंडीशंस में क्या होता है, जिनकी दो मतलब कि जैसे देखिए मेंडल में कैपिटल टी रहने से टॉल हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी में भी प्लांट टॉल हो रहा था, इसका मतलब है कि एक ही जीन है फिर भी एक्सप्रेस हो रहा है। और रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए उनको दोनों के दोनों कैरेक्टर जो है
जीन जो है एक्सप्रेस होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए, तभी रिसेसिव जीन जो है, या ऑटोजोमल रिसेसिव हो चाहे तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो, एक्सप्रेस होगा, है ना। अच्छा, ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो आपको जीनोटाइप भी ऐसे याद रखनी है, एक ही बता देती हूँ, आप करोगे। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो देखिए आप क्या लिखोगे। देखिए ऑटो, ये क्वेश्चन, ये ना जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है, मतलब प्लेलिस्ट है, वहाँ पे है ऑटोजोमल डोमिनेंट। ऑटोजोमल डोमिनेंट के लिए आप क्या याद रखोगे। देखिए जब ऑटोजोम डोमिनेंट है, एक ही जीन डोमिनेटेड है तो भी एक्सप्रेस होगा। मतलब है कि यहाँ पे डिजीज, मान लीजिए कोई बंदा डिजीज है, उनकी जीनोटाइप कुछ ऐसा रहेगा, नहीं तो ऐसा रहेगा। जब ये वाला कंडीशंस में है, ये नॉर्मल है, अन अफेक्टेड आप मान के चल सकते हो, नॉन अफेक्टेड, ठीक है, अन अफेक्टेड, तो ये वाला कंडीशन होगा। तो जब ऑटोजोमल रिसेसिव मान के चलेंगे, है ना, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव में कंडीशन क्या रहेगा ना, ये वाला फॉर्म रहेगा तो नॉर्मल है, कोई रिसेसिव जीन है नहीं है, ये वाला में भी नॉर्मल है, स्मॉल ए जब रहेगा तब भी डिजीज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो बंदा है ये डिजीज्ड बंदा रहेगा, है ना। अच्छा, क्लियर हुआ आपको। अच्छा, फिर हम बात करेंगे सेक्स लिंक्ड। यहाँ पे देखिए ऑटोजोम मेल में होता है, फीमेल में होता है, तो इसलिए हमने मेल फीमेल कुछ नहीं लिखा है, जो भी हो रहा है दोनों सेक्स के लिए होता है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। अब हम बात करेंगे सेक्स लिंक्ड की डोमिनेंट की, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये मेल के लिए कुछ अलग रहता है, फीमेल के लिए अलग रहता है। देखिए जब एक्स एक्स ऐसे फॉर्मेट में रहा है तो ये एक नॉर्मल फीमेल है, कुछ भी नहीं है। जब एक्स और सेक्स डोमिनेंट जो होता है ना, एक्स क्रोमोजोम के लिए हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोजोम सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। जो भी कैरेक्टर पूरा का पूरा फैमिली में आप जब देखोगे इस तरीके से मेल से मेल ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब है कि वाई क्रोमोजोम, ठीक है। एंड जब एक्स वाई रहेगा ये नॉर्मल मेल होगा, है ना। अच्छा, फीमेल के केस में डोमिनेटेड डिजीज रखा है, एक एक्स क्रोमोजोम अफेक्टेड होने से भी फीमेल क्या हो सकता है, फीमेल अफेक्टेड हो सकता है। और दोनों की दोनों एक्स क्रोमोजोम अफेक्टेड होगा तो फीमेल अफेक्टेड ही तो होगा। जैसे डोमिनेंट वाला कंडीशन होगा तो इस कंडीशन में भी फीमेल क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये कहा गया आपका ऑटोजोमल डोमिनेंट, सॉरी सेक्स लिंक्ड। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की जब हम बात करेंगे, रिसेसिव की, रिसेसिव में याद रखिए जो ये वाला कंडीशन, दो कंडीशंस तो मेल फीमेल की नॉर्मल है। रिसेसिव में क्या होगा, फीमेल जब एक एक्स क्रोमोजोम रहेगा तो भी फीमेल नॉर्मल है, क्योंकि डिजीज रिसेसिव है तो एक क्रोमोजोम अफेक्टेड होने से फीमेल अफेक्टेड नहीं होता है। जब फीमेल की दोनों क्रोमोजोम अफेक्टेड हो जाएगा तो उस कंडीशंस में फीमेल क्या होगा, अफेक्टेड होगा, क्लियर हुआ। लेकिन मेल के केस में एक ही तो एक्स क्रोमोजोम है तो उनकी एक ही क्रोमोजोम अफेक्टेड रहने से भी मेल क्या हो जाएगा, अफेक्टेड मेल होगा। आई ना बात समझ में। आप ये जो चारों पॉइंट है उसको नोट डाउन कीजिए और दिमाग में घुसाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब कि चीज़ें है, ऐसा कोई नहीं है कि रॉकेट साइंस है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब एक क्रोमोजोम उनकी डबल फॉर्मेट में है, एक अफेक्टेड है, तो बॉडी क्या करेगा, उसको एक्सप्रेस करने नहीं देगा, इसको बोलेगा तुम तो सही हो, तुम एक्सप्रेस कर जाओ, ठीक है। लेकिन जब डोमिनेटेड डिजीज है वो बोलेगा नहीं मैं भी एक्सप्रेस करूँगी, तो प्रॉब्लम होता है। जब डिजीज की नेचर रिसेसिव होता है, जब दोनों के दोनों एक्स क्रोमोजोम अफेक्टेड होता है तभी अफेक्टेड प्रोटीन बनेगा, तब डिजीज हो सकता है। लेकिन जब एक क्रोमोजोम अफेक्टेड रहता है तो डिजीज नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, तो देखिए तो अब हम इस डायग्राम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि हम ऑटोजोमल डोमिनेंट मान के चलेंगे। हाँ, हो सकता है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज होगा। जब डोमिनेंट होगा, फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड है तो डोमिनेटेड डिजीज है, तो इसके जीनोटाइप ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दो कंडीशंस में जो ऑर्गेनिज्म है डिजीज वाला होना है। यहाँ पे मेल को उन्होंने नॉर्मल दे रखा है, इसका नॉर्मल है, इसका मतलब है कि इनकी जीनोटाइप कुछ ऐसा ही रहेगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, इस वाला जीनोटाइप से कभी इस तरीके से नॉर्मल बच्चा बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। मान लीजिए ये जीनोटाइप रहेगा तो, क्योंकि हमको पता नहीं इस वाला टाइप से है या इस वाला टाइप से है, तो इस वाला जीनोटाइप रहेगा तो ये नॉर्मल बच्चा बनेगा, ये अफेक्टेड हो सकता है। मान लीजिए उनके मदर से कुछ ये जीन आ गया, अफेक्टेड होगा, ये भी नॉर्मल हो सकता है, स्मॉल ए। देखिए हाँ, यहाँ पे अफेक्टेड हो सकता है, मान के चलिए यहाँ पे ये स्मॉल ए स्मॉल है, ये भी स्मॉल ए रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल है।
माता पिता दोनों जो है ना स्मॉल स्मॉल है, तो सारे बच्चे स्मॉल स्मॉल होंगे। यहाँ पे देखिए ये अफेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए वाला होगा, क्योंकि उनकी फादर को उन पहले से स्मॉल ए दे रखा था, तो ये बच्चा की तो जेनोटाइप ऐसा ही होगा। और उनकी मदर नॉर्मल है, इसका मतलब इसका स्मॉल ए स्मॉल है। एक बच्चा उनमें से अफेक्टेड निकला निकला जा सकता है, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए शाम कैपिटल ए आ गया तो स्मॉल ए, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम मान के चलेंगे कुछ मतलब दूसरी डिजीज हो सकता है, मान लीजिए ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए कहीं पे आप मतलब कि ये जो चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के लिए हम देखेंगे, मान लीजिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के लिए हम बात करेंगे। देखिए मैंने बात की थी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है, डिजीज रिसेसिव है, इसका मतलब है कि फीमेल की जीनोटाइप कुछ ऐसा होना चाहिए तभी फीमेल अफेक्टेड होगा, और किस कुछ भी कंडीशंस में फीमेल अफेक्टेड नहीं होगा। एंड मेल नॉर्मल है, इसका मतलब है कि मेल की जीनोटाइप कुछ ऐसा रहेगा, समझ रहे हो ना। अच्छा तो इस वाला कंडीशंस में देखिए फीमेल अफेक्टेड है तो उनकी जितने भी बेटा बनेंगे सब बेटा अफेक्टेड होंगे, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव डिजीज के लिए एक्स सी वाई कंडीशन, क्योंकि उनकी एक बेटा है, इसका मतलब है कि एक्स क्रोमोजोम तो उनकी मदर से ही तो आएगा, एंड उनकी मदर की तो दोनों की दोनों एक्स क्रोमोजोम अफेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये बेटा अफेक्टेड है सही है, तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये बेटा को नॉर्मल दे रखा है, नॉर्मल है तो इसका मतलब कि एक्स वाई होना चाहिए, तो उनकी नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम आएगा कहाँ से उनके बॉडी से, क्योंकि फादर से तो एक्स क्रोमोजोम नहीं आएगा ना बेटा के पास, मदर से आएगा। फादर वाई क्रोमोजोम देगा तो बेटा हो जाएगा, फादर से वाई ही आएगा, ये तो मतलब कि कंफर्म है। मदर की नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम कहाँ आया, तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो ना। आप कैसे एलिमिनेट करोगे ये, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सारे बेटा यदि मान लीजिए अफेक्टेड दे रखा होता होगा तभी उसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए फिर ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्यों नहीं है हम देखेंगे, या है हम देखेंगे। देखिए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो इस वाला कंडीशंस में एक्स सी एक्स डोमिनेंट है, एक एक्स क्रोमोजोम अफेक्टेड होने से भी अफेक्टेड हो सकता है, दोनों के दोनों अफेक्टेड होने से भी हो सकता है, ठीक है। तो हम एक्स सी एक्स मान के चलिए ये वाला कंडीशन, और ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे हो सकता है कि इनकी फीमेल जो है, हाँ मान लीजिए नॉर्मल दे रखा है, मान लीजिए फादर से उनके एक्स क्रोमोजोम आया है, मदर से ये एक्स क्रोमोजोम आया है ना। अच्छा तो बेटा जो है अफेक्टेड हो सकता है, एक बेटा, दूसरा बेटा नॉर्मल हो सकता है, मान लीजिए मदर की वाला क्रोमोजोम है, तो यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे बेटी अफेक्टेड है, बेटी अफेक्टेड है मतलब है कि एक्स सी एक्स वाला बेटी है, ठीक है, उनकी बेटा नॉर्मल है, ये बेटा जो दामाद है नॉर्मल है, तो इस कंडीशंस में उनकी बेटी अफेक्टेड है, इसका मतलब है कि एक्स सी एक्स बेटा नॉर्मल, हाँ एक्स सी। अच्छा यहाँ पे देखेंगे ये नॉर्मल 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 का मतलब है कि एक्स 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 वाई, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है आपकी आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक्स एक्स सी एक्स सी हम करके चलेंगे, तो यहाँ पे भी ज़्यादा ज़्यादा कुछ होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोग्रेस करोगे, ये आपके लिए क्वेश्चंस है, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस को आप खुद ही कीजिए, और एकदम सिंपल है ये, ठीक है। अच्छा करके बताना कमेंट्स में, वही कंसेप्ट आप लगा के देखोगे। गिवन बिलो इज ए पेडिग्री चार्ट, यहाँ पे फैमिली विथ फाइव चिल्ड्रन, इट शोज इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब टू एज अपोज टू द फ्री वन लोब। किसी किसी का ईयर लोब जो होता है अटैच रहता है, किसी किसी का यहाँ पे फ्री ईयर लोब रहता है, ठीक है ना। इट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड, द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल इंडिविजुअल एंड द सर्कल इन द फीमेल इंडिविजुअल, तो इत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है व्हिच वन इज द करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉन इन द फिगर, तो उनमें से करेक्ट कंक्लूजन क्या है, ये अटैच्ड ईयर लव है ना, अटैच्ड एंड फ्री ईयर लव। तो द पेरेंट्स आर, यहाँ पे रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन ड्रॉन इन द करेंट, पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव होने से तो नहीं होगा, हेट्रोजाइगस होने से मेल फीमेल दोनों जो है वो आप जो है आपका आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा पेडिग्री प्रेडिक्ट
फ्रॉम द फॉलोइंग चार्ट, ये दे रखा है कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड कैरेड बाय एक्सट्रोमोजम, कैरेक्टराइड कैरेक्टर डोमिनेंट दे रखा है, नहीं नॉर्मल, देखिए नॉर्मल पेरेंट्स है एक्स लिंक्ड, एक्स कैरेक्टर ऑटोजोमल एक्स लिंक्ड कैरेड बाई वाई क्रोमोजम, कैरेक्टर डोमिनेंट वाई वाई क्रोमोजम से तो ये कैरेक्टर कैरी नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि मेल से मेल को होना चाहिए, यहाँ पे मेल नॉर्मल है, ये अफेक्टेड है, यहाँ पर नॉर्मल है, तो वाई क्रोमोजम वाला तो कंसेप्ट नहीं होगा। कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड कैरेड बाय एक्स क्रोमोजम, डोमिनेंट कैरेक्टर ये पूछा है, मतलब कि डोमिनेंट डिजीज है, यदि डोमिनेंट है तो यहाँ पे नॉर्मल फीमेल दे रखा है, इसका मतलब है कि, या डोमिनेंट मतलब कि ऑटोजोम हम मान के चलेंगे, ठीक है, तो डोमिनेंट है इसका मतलब है कि स्मॉल ए स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल ए होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं भी हो पाएगा, स्मॉल ए स्मॉल ए सारे नॉर्मल होना चाहिए, ये दोनों नॉर्मल है तो सारे नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन कैरेक्टर इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये मान के चलेंगे हम, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अच्छा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि फीमेल कुछ ऐसा रहेगा, मेल कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव या तो नहीं एक्सेसी एक्स, ये वाला कंडीशंस में भी फीमेल जो है आपको नॉर्मल शो हो रहा होगा ये वाला कंडीशंस में, ठीक है, अच्छा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मान लीजिए इसको मान के चलेंगे, इसको नहीं, तो यहाँ पे कि बेटा अफेक्टेड हो सकता है क्योंकि मदर से एक एक्स क्रोमोजम आ जाएगा फादर से, और बेटी जितने हैं सारे नॉर्मल है क्योंकि पापा नॉर्मल है, और ये कि बेटा भी नॉर्मल हो सकता है क्योंकि इस एक्स क्रोमोजम आ जाए, तो अभी ये बेटा जो है अफेक्टेड हो गया, उन्होंने एक नॉर्मल बेटी से शादी किया, तो सारे बच्चे सारे, तो यहाँ पे देखिए फादर से है ना, एक्स उनकी मदर तो नॉर्मल है, एक्स मदर से नॉर्मल आएगा, फादर से मान लीजिए भी नॉर्मल आ सकता है, मतलब एक सी वाला आएगा, फिर भी ये नॉर्मल रहेंगे और बेटा जो है वो भी नॉर्मल रहेगा क्योंकि उनके मदर नॉर्मल है, तो ये उनको सेटिस्फाई हो रहा है, ऑटोजोमल रिसेसिव में नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से जितने भी पेडिग्री है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला पेडिग्री, ठीक है ना, ये दो पेडिग्री जो है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, करके बताना, ठीक है, ये सब आपके लिए है, ये भी आपके लिए है, ठीक है, अच्छा फिर हम बात करेंगे 123, टू पेडिग्री बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, इसलिए देखिए आप खुद ही करना, ये 1:1:2 ये रेशियो किसके लिए है, टेस्ट क्रेस के लिए है, टेस्ट क्रेस में हमने बात की थी क्या, एफ वन जनरेशन इंटू डबल रिसेसिव, एफ वन जनरेशन में आपको एक हेट्रोजाइगस फॉर्मेट जैसे फॉर्मेट मिल रहा था, और डबल रिसेसिव, देखिए ये डबल रिसेसिव है लेकिन ये बी आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एफ वन जनरेशन की बात नहीं हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा रहेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, उसको क्रॉस किए थे स्मॉल टी स्मॉलर स्मॉलर, जब भी ये बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉलर, तो यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एफ वन जनरेशन हो जाएगा, समझ रहे हो ना, अच्छा अच्छा यू नो कैन बी ऑप्टेन इफ द प्लांट, अच्छा 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 ये बोल रहा है दिस रेशियो ऑफ प्रोजेनी कैन बी ऑप्टेन इफ द प्लांट एम्प्लॉय फॉर द क्रॉसिंग आर, अच्छा अच्छा ये बोल रहा है इन ये जितने भी क्रॉस आपको करके दिखाना है उनमें से कहाँ पे आपको ये रेशियो आएगा, टेस्ट क्रॉस में तो आएगा, ठीक है ना, वो बाकी क्रॉस हम क्रॉस करके देख लेना है, अच्छा मैंने सोचा कि क्या पूछा है, बाकी को हम क्रॉस करके देख लेंगे क्या इस रेशियो आ रहा है या नहीं, ठीक है, अच्छा जब हम उसको क्रॉस करेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर उसको क्रॉस करेंगे स्मॉल टी स्मॉल, अच्छा तो यहाँ पे जीनोटाइप बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ पे बनेगा आपको स्मॉल टी एक आर, तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, प्रोजेनी कैन बी ऑप्टेंड रेशियो ऑफ प्रोजेनी कैन बी ऑप्टेंड इफ द प्लांट एम्प्लॉय फॉर द क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे जो सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सारे प्लांट्स होते हैं, ये तो नहीं मिलेगा, इस 100% प्लांट ऐसे ही जीनोटाइप की मिलेंगे, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ये नहीं, इस सब में ए नहीं है, तो ऑप्शन बी 100 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, हम थोड़ा देख लेंगे, ये तो मैंने बात की थी, ये होगा यहाँ पे, तो ये टेस्ट क्रॉस की है तो यहाँ पे तो निकलेगा, ठीक है, हम बी एंड डी दे रखा है, डी इसको चेक कर लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, अच्छा
तो यहाँ पे जो गैमेट निकलेगा टी कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये दो टाइप के गैमेट बनेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो गैमेट बनेगा यहाँ पे भी दो टाइप के गैमेट बनेगा, ठीक है हम देख लेंगे थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे गैमेट जब बनेगा एक बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। जब हम क्रॉस करेंगे, अच्छा यहाँ पे चार ही मिल जाएगा, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हम इसके साथ क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये तो सारे अलग अलग रहता है। यहाँ पे 1:1:1:1 निकल गया, ठीक है। अच्छा तो ये हो रहा है, तो सी नहीं होगा इसका मतलब बी डी होगा, ए से मैंने एलिमिनेट किया तो सी निकल गया, तो फिर भी हम एक बार उसको क्रॉस कर लिए चेक करने के लिए। देखिए सी भी नहीं होगा, ये तो हमने नहीं किए थे, सी भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप खुद ही करके देखिए, नहीं तो मैं बता देती हूँ। सी भी सी जो है ना उसको जब आप क्रॉस करोगे 1:1:1 रेशियो में, ये नहीं आएगा, क्योंकि देखिए सी में क्या रखा है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर इंटू स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पे देखिए ना दो तरीके के गैमेट बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ पे एक ही तरीके के गैमेट बन रहा है कैपिटल टी। तो जब आप करोगे अदर ऐसे अदर ऐसे 50-50 मिलेगा, ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, ठीक है यार कैपिटल आर। तो दो तरीके के 50-50, यहाँ पे जो गैमेट बन रहा है सारे 100% वाली, यहाँ पे 50-50 मिल रहा है, यहाँ पे 25-25 यानी कि 1:1:1:1, ठीक है। तो ऑप्शन ये वाला होगा, यहाँ पे और एक पेडिग्री दे रखा है। अच्छा अब देखेंगे यहाँ पे कुछ, देखें फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमाटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमाटिड की सेग्रीगेशंस में फेल्योर हो गया तो कौन सी वाला डिजीज होगा, देखिए ठीक है। एक फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमाटिड, क्रोमाटिड समझ रहे हो, तो देखिए सबसे पहले क्रोमोजोम ऐसे रहता है ना, जैसे जोड़ा में 23 पेयर रहता है, जब उसको सेल डिवीजन करनी है तो ये उनके डबल कर लेगा उनके डीएनए कंटेंट को। अब भी दो एक क्रोमोजोम के अंदर दो क्रोमाटिड होंगे, ठीक है, इस तरीके से जोड़ा में क्रोमोजोम होता है, हाँ 23 पेयर होता है, मैंने दो पेयर बनाया। जब मेयोसिस फास्ट होता है पहले क्रोमोजोम सेपरेट हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पे 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम आ जाएंगे और एक सेल में 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम आ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने तीन जोड़ा बनाया, हमारे बॉडी में 23 पेयर होता है, ये होता है मेयोसिस फास्ट के रिजल्ट। मेयोसिस सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे एक एक डीएनए है, यहाँ पे एक डीएनए है, तो अब क्या होगा ये दो में से एक डीएनए इधर आएगा, इधर डीएनए और एक डीएनए आएगा, इसको हम बोलते हैं क्रोमाटिड सेपरेशन, जो कि मेयोसिस टू में होता है। ये बोल रहा है यदि क्रोमाटिड सेपरेशंस में मतलब कि फेल्यूर हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा अनयूप्लोइडी होगा, ठीक है ना, अनयूप्लोइडी होगा, मतलब है कि ऐसा एक बनेगा, एक ऐसा ओभम बनेगा, जैसे मान लीजिए 20 हमारा मतलब कि 22x रहना चाहिए एक, है ना, मतलब कि जो 22 ऑटोजोम्स एंड एक एक्स क्रोमोजोम टोटल 23 होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा हुआ 22 ऑटोजोम्स तो आया लेकिन एक्स क्रोमोजोम बिल्कुल नहीं आया, है ना, या तो ऐसा हुआ 22 ऑटोजोम्स तो है दो एक्स क्रोमोजोम आ गया, यहाँ पे ये सेपरेट नहीं हो पाया, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज हो गया या तो डिक्रीज हो गया। जो बच्चा बनेगा मान लीजिए 22x0 है, इसमें आके एक वाई क्रोमोजोम फ्यूज किया, ऐसा ओभम जिसके पास एक्स क्रोमोजोम नहीं है उसमें आके एक वाई क्रोमोजोम फ्यूज किया, ठीक है, तो ये अनयूप्लोइडी कंडीशंस होता है। डाउन सिंड्रोम्स अकर ड्यू टू गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ, तीन होता है, तीन सिंड्रोम याद रखिए, एक टर्नर्स डाउन्स सॉरी डाउन्स पटाओ, ठीक है, एडवर्ड, तीन सिंड्रोम होता है यहाँ पे 13, 18, 21 इतना याद रखिए, डाउन्स 21 क्रोमोजोम में होता है डाउन सिंड्रोम, याद रख लीजिए लिख लीजिए, तीनों में से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए डाउन्स दे रखा है तो 21 याद रखिए, तीन होता है, एक हो 13, 18, 21 पटाओ फटाओ सिंड्रोम एडवर्ड एंड डाउन्स,
सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम अकॉर्डिंग टू गेन ऑफ एक्स्ट्रा, जो ट्राइजोमी होता है, ट्राइजोमी एक्स मतलब कि 21 नंबर क्रोमोजोम हर एक बंदा की ऐसे दो होना चाहिए, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम रहेगा उनकी 3 हो जाता है, ठीक है ना। ऑटोजोमल डिजीज है, ट्राइजोमी की वजह से होता है। यदि क्रोमोजोम नंबर 13 में 3 कॉपी रहेगा तो हम उसको बोलेंगे पटाउ सिंड्रोम। यदि क्रोमोजोम नंबर 18 में तीन 18 क्रोमोजोम नंबर 18 मतलब हमारे बॉडी में ऐसे दो होना चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा है जिसमें 3 है तो उसको एडवर्ड सिंड्रोम होता है। जिसे का 21 में हो जाएगा तो उसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो पेड़ याद रखिए, पेड़ प्याड या पेड़ कुछ भी आए, पेड़ याद रखिए। पेड़ मतलब कि प्लांट्स होता है, पेड़ पौधा हम बोलते हैं, पेड़ कुछ भी ऐसे याद रखिए। 13, 18, 21, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम्स ऑकर्स इन, टर्नर सिंड्रोम्स क्यों होता है, टर्नर सिंड्रोम्स ऑकर इन, तो टर्नर सिंड्रोम एक मोनोजोमी कंडीशंस होता है, ठीक है ना। मोनोजोमी कंडीशंस का मतलब है कि ऐसा एक ओभम है जिसके पास एक्स क्रोमोजोम नहीं है, वही फेलोर ऑफ क्रोमाटिड मतलब कि उनमें सिर्फ सिर्फ क्या है आपकी जो है ऑटोजोम्स है। तो वो आके जब है ना, जब ये क्या करेगा टर्नर सिंड्रोम, एक वाई क्रोमोजोम वाला स्पर्म के साथ फ्यूज किया, घर सब खुश है क्योंकि वाई क्रोमोजोम है, समझ रहे हो ना। तो वाई क्रोमोजोम है तो उनमें ठीक है ये जो सारे जो चीज़ें हैं होगा मतलब कि बन जाएगा, लेकिन उनमें क्या होता है ना, सॉरी एक्स क्रोमोजोम वाला फ्यूज किया तो क्या होगा, एक ही एक्स क्रोमोजोम है, एक्स सॉरी एक्स क्रोमोजोम याद रखिए, वाई नहीं, ऐसा एक स्पॉर्म फ्यूज किया जिसमें एक्स क्रोमोजोम है, तो उनमें क्या हो जाएगा, ये जो बच्चा है अभी 44 एक्स क्रोमोजोम बनेगा, उसमें एक सॉरी 44 ऑटोजोम से और उनमें एक एक्स क्रोमोजोम है, हालांकि एक फीमेल में दो एक्स क्रोमोजोम रहना चाहिए, उनमें एक एक्स क्रोमोजोम है, तो इसलिए उसको हम मोनोजोमी कंडीशंस कहते हैं। ट्राइजोमी में क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा कॉपी रह जाता है, यहाँ पे जब बात किए थे ये ऑटोजोम्स में ट्राइजोमी हो रहा है, एंड मोनोजोमी टर्नर सिंड्रोम्स मोनोजोमी होता है, क्लिनेफिल्टर से होता है वो ट्राइजोमी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स क्रोमोजोम है, ये जो फीमेल है उनकी ओवरी एंड सारी चीज़ें बनेगा लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा, यूट्रस फिट्रस ओवरी फवारी है ना, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा कब, जब प्यूबर्टल टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। इसी प्रकार के जो क्लिनिफिल्टर सिंड्रोम्स होता है, क्लिनिफिल्टर्स में क्या होगा, एक का ऐसा एक के फीमेल है जिसमें क्या हुआ है, ऑटो ओभम तो है, दो एक्स क्रोमोजोम आया है, ठीक है ना, इन्होंने एक स्पर्म के साथ फ्यूज़ किया जिसमें 24 वाई होता है, ठीक है, वाई होता है। तो अब ये जो बच्चा है क्या बनेगा, 44XXY बनेगा, घर सब खुश है, मिठाई दे रहा है, बेटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वाई क्रोमोजोम है तो मेल सेक्स ऑर्गन जो बन जाएगा, वाई क्रोमोजोम है ये तो बनाने में हेल्प करता है, लेकिन जैसे जैसे उनका अडल्ट सेंस आएगा, दो एक्स क्रोमोजोम है तो फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स गायनेकोमास्टिया मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, फीमेल जैसे नेचर होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि दो एक्स क्रोमोजोम है उनके पास, तो वहाँ पर फिर घर लोग क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट में चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसमें किसका कसूर है, गलती तो किसके नहीं है, ठीक है, तो ऐसे हो रहा है। और इसलिए ज़्यादातर बोला जाता है क्योंकि जो फीमेल है उनकी जो ओवुलेशन है वो तो स्टार्ट हो चुका है एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड में, फिर सी जो के रहता है कहाँ, टोटल प्यूबर्टी पीरियड में, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ना 12-13 साल के बाद, फिर इसलिए बोला जाता है कि जितने जो लेटर एज मतलब कि 35 के बाद जो मदर बनते हैं उनमें क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन होने की चांसेस बढ़ जाता है, मतलब कि ऐसा ओबम बनेगा दो है ना, क्योंकि इतने टाइम उस सेल डिविजन स्टॉप होके रहता है, इसलिए है ना, इसलिए ऐसा नहीं कि हमेशा फीमेल की साइड्स में होता है, कभी कभी मेल की साइड्स में मान लीजिए क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन होगा, ठीक है ना। एक ऐसा एक्स क्रोमोजोम फीमेल में ओबम सही था, 22X था, लेकिन ऐसा एक स्पॉर्म आ गया जिसमें 22XY है, ऐसा एक स्पॉर्म आ गया, तो भी तो कंडीशन क्लिनिफिल्टर्स की होगा, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा देखा जाता है कि फीमेल में ये जो सेल डिवीजन की जो स्टार्टिंग है कहाँ हुआ था, एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जब वो एक बेबी गर्ल मदर के यूट्रस में है तो उस टाइम पे वो स्टार्ट हुआ था, फिर रुका था, फिर स्टार्ट हो रहा है, फिर ऐसा तो नहीं कि हर एक मतलब कि एक टाइम पे सब ही हो जाएगा, मेनोपॉज तक होगा, मतलब कि जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहता है तब तक होगा, तो 50 साल लगता है एक सेल को मतलब कि एक सेल डिवीजन को कम्प्लीट होने के लिए, जो लास्ट आखिरी वाला ओवुलेशंस होगा तो 50 साल की लगभग हो जाएगा है ना सेल डिवीजन, तो इतने टाइम जो रुक 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 के वो हो रहा है तो हो सकता है कि क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन होने की चांसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन मेल में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब नहीं कि हमेशा नहीं है, कभी कभी हो सकता है।
हाउ मेनी सेक्स क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स? तो ह्यूमन सेल्स में कितना सेक्स क्रोमोजोम्स होता है बताइए। एक पेयर की होता है, मतलब कि मेल के लिए एक्स वाई रहेगा, फीमेल के लिए एक्स एक्स रहेगा, है ना। गायनाकोमेस्टिया मतलब कि डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाता है, उसको हम गायनाकोमेस्टिया कहते हैं। गायनाकोमेस्टिया आपको कहाँ होगा? क्लिनी फिल्टर्स में। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि एक्स एक्स वाई होता है, वाई क्रोमोजोम है तो मेल हो जाएगा, है ना, दिखने के लिए तो मेल होगा, घर में खुद से, लेकिन जब प्यूबर्टल टाइम पीरियड आएगा, दो एक्स क्रोमोजोम है तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, फीमेल जैसे वो बिहेवियर करने लगेगा, ठीक है। द फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू हुई सिंड्रोम? तो उनमें से कौन सी फीचर जो है, कौन सी सिंड्रोम्स को ये हो रहा है, देखिए। फ्यूरोड टंग, टंग जो है फ्यूरोड है। पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाम्स इज फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्डेशंस। शॉर्ट स्टैचर विथ स्मॉल राउंडेड नेक, ये शॉर्ट स्टैचर, ये डाउन सिंड्रोम्स की बात होता है, याद रखिए ना। डाउन सिंड्रोम्स के छोटे हाइट की रहेंगे और राउंड स्मॉल एंड राउंड हेड रहेगा। फिजिकल साइकोमोटर मेंटल रिटार्डेशन मतलब मेंटली इतना अच्छे नहीं है। पाम जो है ब्रॉड रहता है ना, फिर स्ट्रॉन्ग रहता है। यहाँ पे देखिए, डाउन सिंड्रोम्स के, ठीक है, फ्लैट ब्रॉड एंड फ्लैट फेस रहता है, मेनी लिप्स ऑन द फिंगर, फिंगर में बहुत सारे लिप्स, पाम स्ट्रीस रहता है ना, फिर बिग एंड रिंकल टोंग, ये डाउन सिंड्रोम्स की पिक्चर है, ठीक है। इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोजोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, यदि पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोजोम हो जाएगा, सेट ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे 2n है, किसी का 6n हो जाएगा, होल सेट में चेंज हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी होता है। अन्यप्लॉइड का मतलब है कि नंबर में, मान लीजिए सारे तो ऐसे जोड़े में रहते हैं, उनमें से कोई एक बढ़ जाएगा, जैसे 21 नंबर ज़्यादा हो गया, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है ना। लैंगडन डाउन डिस्क्राइब द डाउन सिंड्रोम, तो ये जो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डाउन सिंड्रोम को डिस्क्राइब किए थे, इसलिए उसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो उन्होंने 1866 में डिस्कवर किए थे। टू एलेलिक जीन आर लोकेटेड ऑन, तो दो एलेलिक जीन जो है कहाँ पे लोकेटेड है, टू होमोलोगस क्रोमोजोम में रहेंगे, क्योंकि एलेलिक जीन है तो होमोलोगस में रहेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए यहीं पे होता है। इन ह्यूमन बींग्स द कलर ऑफ स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय, स्किन कलर जो है पॉलीजेनिक इफेक्ट होता है, कल भी मैंने बात की थी, स्किन कलर हाइट ये जो सारे होते हैं पॉलीजेनिक जीन इफेक्ट होता है, क्योंकि एक जीन उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसलिए हम कलर की कितने वेराइटी हम देख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फेयर एंड लवली लगाने से सब गुरा हो जाएंगे, जेनेटिक मेकअप होता है, इसके साथ साथ एनवायरमेंटल इशू। ये मान लीजिए कोई एक ट्विंस है, वही कोई एक खेत में काम कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए फार्मर है और कोई जॉब कर रहे हैं ऐसा एरिया में, जैसे बैंक फैंक वगैरह में, OSC के अंदर रहा है, ठीक है, तो मतलब ट्विंस है ना, कलर तो एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन जो AC के नीचे बैठा है एकदम मतलब शेडो एरिया में, तो ऑब्वियसली उनकी जो कलर होगा थोड़ा फेयर रहेगा एज कम्पेयर टू जो खेती में काम कर रहा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।